यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पौंटा साहिब के गिरिपारा क्षेत्र के बनौर में शाम करीब 6 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक शख्स की तो मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की मौत पौंटा साहिब के अस्पताल में हुई। मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। उधर अस्पताल में मौत के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। हादसे के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी भी अस्पताल पहुंच गए, जिन्होंने फौरन ही तीनों मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। तो यहां पर आपको बता दें कि पौंटा साहिब में एक ट्रक खाई में लुढ़क गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, बाकी 2 लोगों की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। तो यहां पर कई लोग घायल भी हुए हैं और मौके पर विधायक सुखराम चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने 20,000 रुपए मृतक के परिवारों को देने की घोषणा भी की है। तो यहां पर वजह यह बताई जा रही है कि जो ट्रक था वो अनियंत्रित हो गया था। हमारे पास 3 अभी एक्सीडेंट के केस आए हैं, जो कि बनौर में ट्रक पलटा है उसके कारण, मगर दुर्भाग्यपूर्ण तीनों ही जो है हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड लाए गए और आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू है। और पौंटा साहिब से प्रेम हमारे संवाददाता हमारे से जुड़ गए हैं। प्रेम, इस वक्त क्या हालात है, जितने भी घायल हैं उनकी क्या हालत है? जी कृति, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये कल देर शाम का घटना थी जो बनौर पंचायत में सामने आई है। यहाँ एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायलों को सिविल अस्पताल पौंटा साहिब ले जाया गया। लेकिन पौंटा साहिब पहुंचते पहुंचते इन दोनों ने भी दम तोड़ दिया, जिसे स्थानीय डॉक्टर कमाल पाशा ने डेड घोषित किया है और शवों को जो है पोस्टमार्टम करने के लिए डेड हाउस में रख दिया गया है। जी, ये हादसे की क्या वजह बताई जा रही है? हालांकि अभी खबर यही मिल रही है कि अनियंत्रित हो गया था ट्रक, क्या कोई और वजह? जी फिलहाल तो जानकारी के अनुसार तो यही बताया जा रहा है, कारण कि ट्रक किसी कारण से अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे के बाद जो है स्थानीय विधायक चौधरी सुखराम भी सिविल अस्पताल पौंटा साहिब में पहुंचे और प्रत्येक मृतक के परिजनों को फौरी राहत के रूप में 20,000 रुपए दिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम वर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2 लोगों की अस्पताल में ही मौत हो गई है।